सबका ट्विंस मम्मा में। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो ये एक प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मधु। तो आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो एक नई माँ की नींदें उड़ा देता है, मतलब एक नई माँ को वैसे ही सोने को कम मिलता है और जब उनके न्यूबॉर्न रोते हैं, वैसे तो न्यूबॉर्न कुछ कम्युनिकेट करने के लिए रोते हैं, अपने केयर गिवर्स या अपने माँ को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जताना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये न्यूबॉर्न बेबीज का रोना एक माँ के लिए बहुत परेशानी की वजह बन जाता है। जब मेरे ट्विन बॉयज की बर्थ हुई थी तो पहले एक महीने में मेरी सबसे बड़ी उलझन की वजह होती थी उनका रोना। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो रो क्यों रहे हैं। वैसे तो बच्चे रोते हैं आपसे या अपने केयर गिवर से कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन शुरू शुरू में एक माँ के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि बेबी आखिर रो क्यों रहा है। जब बेबीज रोते थे तो मुझे बहुत दुख होता था और दुख से ज़्यादा टेंशन होती थी कि वजह क्या है, इनको परेशानी क्या है। अगर आप भी ऐसी ही एक नई माँ हैं जो इन उलझनों से गुजर रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एक बच्चे के रोने के पीछे की सबसे कॉमन वजह क्या क्या हो सकती है और आप उसका पता कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। अगर हम 24 घंटे का हिसाब लगा ले तो एक न्यूबॉर्न बेबी ऑलमोस्ट 2 to 3 hours रोता है इन स्पेल्स। एक बेबी के रोने की वजह अगर आप जान जाए तो उसके उस नीड को फुलफिल करके उसके रोने को आप आसानी से बंद करवा सकते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी के रोने का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन होता है उसे भूख लगना। रोना एक वे है कम्युनिकेट करने का कि उसे भूख लगी है। अधिकतर समय बच्चे भूख लगने की वजह से रोते हैं और एक बार उसे दूध पिला दिया जाए तो वो शांत हो जाते हैं। इनिशियल 3 to 4 months में एक बेबी एवरी 2.5 to 3 hours में फीडिंग लेता है, उसे भूख लगती है और ये एक न्यू मॉम के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। खासकर अगर आप मेरी तरह एक ट्विन मॉम है तो 2 babies को साइमल्टेनियसली फीड कराना आपके लिए टायरिंग ही नहीं बल्कि कभी कभी फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन कितनी भी थकी हो एक माँ, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल बच्चे के नीड के हिसाब से 2 hours या 2.5 to 3 hours के बीच में बेबी को फीड करना चाहिए। उनके फीडिंग क्यूज को देखा कीजिए, हर बेबी का अपना फीडिंग क्यू होता है, मतलब उसके भूख लगने पे वो जैसे रिएक्ट करता है, कभी कभी उंगलियां चूसता है, कुछ बच्चे अपनी हाथ को मुंह की तरफ लेके जाते हैं या उनके लिप्स के कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं। तो अपने बेबी को समझने की कोशिश कीजिए, उनके हंगर क्यूज को समझिए और उनको पर्टिकुलर टाइम में फीडिंग दे दीजिए, इससे आपका बच्चा भूख के लिए नहीं रोएगा। और अगर आप एक ट्विन मॉम हैं तो आप एक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं और दूसरे बेबी को मिल्क पंप करके स्पून से किसी और को फीड करवाने के लिए कह सकती हैं, क्योंकि टेंडम फीडिंग काफ़ी टफ होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और अगले फीडिंग साइकिल में आप बेबीज को अल्टरनेट कर लीजिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि छोटे बच्चों को वाया बॉटल फीड करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क लेने में उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वेयर एज जब आप बॉटल से फीड करती हैं तो उनको बहुत आसानी से दूध मिलता है। अगर उनको बॉटल फीडिंग की आदत हो जाए तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करने में रिलक्टेंट रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत एडवांटेजेस हैं, इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे। अगर फीडिंग के बाद आपको पता है कि आपने बेबी को अभी अभी दूध पिलाया है, उसका पेट भरा हुआ है और फिर भी वो रो रहा है, कई बार बेबीज को डकार लेना या बर्प करना नहीं आता, तो इसकी वजह से उन्हें कुछ अनईजी सा फील होता है और वो रोने लगते हैं। दूध के साथ बच्चे यूजुअली
हवा भी या एयर भी गल्प कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे डकार आता है। सो बेबीज को फीड करने के बाद डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि उन्हें एक अपराइट पोजीशन में अपने कंधे पे लेटा के उनके पीठ को सहलाना अच्छा होता है। इससे उनकी डकार इजीली आती है और उनको वो अनइजीनेस फील नहीं होता। सो इस बात का ख्याल रखिए, शायद आपके बेबी के रोने की रीजन ये हो। तीसरी वजह हो सकती है थकान। छोटे बच्चे अक्सर जब थक जाते हैं काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। कहते हैं स्वॉडलिंग से बेबीज को माँ के गर्भ जैसा फील होता है, और अगर वो चिड़चिड़े हो तो उन्हें एक स्वॉडल क्लॉथ से स्वॉडल करके आप अच्छे से अपने चेस्ट से लगाकर गोद में ले सकती हैं। इससे उनको एक रिलैक्सेशन फील होता है और उनको नींद आती है। कुछ बच्चों को थोड़ी सी रॉकिंग मूवमेंट या फिर कुछ माँ के कुछ गुनगुनाने से इससे भी उन्हें नींद आती है। सो थके हुए हैं अगर आपके बच्चे, इन कुछ प्रैक्टिसेस को आप यूज़ कर सकते हैं। स्वॉडलिंग हो गया, गाना गाना हो गया, या फिर उन्हें थोड़ा रॉकिंग मोशन में इधर उधर करवाना हो गया, या फिर आप उन्हें गोद में लेके थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। इससे उनको नींद आ जाती है और उनका रोना भी बंद हो जाता है। एक और वजह हो सकती है नींद की कमी। टिल 6 months ऑफ एज बच्चों को सुलाना पड़ता है, उन्हें ऐसा सोना नहीं आता, और उससे बड़े बच्चे 6 months के ऊपर के बच्चे, उनको सोना आ जाता है, लेकिन अक्सर वो ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स में से कोई, यूजुअली माँ, आकर उनके साथ लेटे या फिर उनको सुलाए। थियोरेटिकली तो ये कहा जाता है कि ये सही नहीं है, इससे बच्चे की इंडिपेंडेंट हैबिट ऑफ स्लीपिंग बाय देमसेल्व्स लेट डेवलप होती है। थियोरेटिकली कहना आसान है, बट प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ, मेरे बच्चे अभी भी मुझ पे डिपेंडेंट हैं, दे आर 2 years old, लेकिन वो चाहते हैं कि जब वो सोए तो मैं उनके साथ बेड तक जाऊँ, थोड़ी देर उनको कोई लोरी सुनाओ या फिर कोई स्टोरी सुनाओ, तभी वो सो पाते हैं। अदरवाइज वो चिड़चिड़े होते हैं, वो रोते रहते हैं, ये बचपन से उनकी आदत है। अगर आप ये आदत उनकी छुड़वा पाए जल्दी 6 months ऑफ एज, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप कर सकती हैं जिससे आपका बेबी रिलैक्स हो जाए और आराम से सो जाए। एक और बहुत ही कॉमन रीजन है बिहाइंड दिस एक्सेसिव क्राइंग ऑफ बेबीज, वो है कॉलिक एंड गैस। स्पेशली अगर आपका बेबी प्रीमैच्योर हो तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, और इसी वजह से वो ज़्यादा गैस की परेशानियाँ या फिर कॉलिक की परेशानियों से गुजर सकता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं अगर आपको कहूँ तो मेरे दोनों बेबीज को ये कॉलिक की इशू रहती थी, स्पेशली वियान को। उसके साथ मैंने बहुत ऐसी रातें गुजारी हैं जब वो बस रोता रहता था। शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्यों रो रहा है, बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि ये कॉलिक पेन कैसा होता है, और उसके लिए मेरे डॉक्टर्स ने कुछ ड्रॉप्स दिए थे। आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जिससे ये पेन कम होता था। अगर एक बेबी दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रोता हो और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यूजुअली रात के समय ज़्यादा रोता हो सकता है उसे कॉलिक हो। मेरे डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया था कि जब उसे इस तरह का कोई पेन हो तो हम उसे पेट के बल एक पिलो पे लेटाएं। छोटे बच्चों को उस तरह हैंडल करना शायद आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, अपने डॉक्टर से प्रॉपर टेक्निक सीख लीजिए। मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल नहीं था क्योंकि मेरी पहले से आदत थी न्यूबॉर्न्स को हैंडल करने की इन माय हॉस्पिटल सेटअप, डिफरेंट कंडीशंस के लिए जब बेबीज आते हैं। अगर आप एक न्यू मॉम हैं, आपने पहले कभी छोटे बेबीज़ को हैंडल नहीं किया है, तो प्लीज़ लर्न द टेक्निक प्रॉपरली फ्रॉम योर डॉक्टर। ये आपके बेबी के गैस और कॉलिक में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एक और रीज़न है, बहुत ही कॉमन रीज़न, वो है डायपर वेट होना। डायपर वेट होने की वजह से भी आपके बेबी रो सकते हैं। कभी कभी डायपर रैश ही एक रीज़न हो सकता है बेबीज के रोने की। सो अगर आपका बेबी रो रहा हो तो आप इन सारे फैक्टर्स को जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो रूल आउट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही यूजुअली रीज़न होता है आपके बेबी के रोने का। सो आई होप एज अ न्यू मॉम ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए।
इससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट जल्द ही मिल जाएगी. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.